कांकेर के भाइयों बहनों मुझे बताइए, ये हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए? अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। हो रही है और काला धन आएगा, लेकिन जो चुनावी भाषण में प्रधानमंत्री ने बात कही उसको वो बार बार दोहरा रहे हैं कि 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे। देखिए ये जुमला है, किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपए कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है। ये ब्लैक मनी स्टैश्ड अब्रॉड, यूनियन मिनिस्टर एनडीए पार्टनर रामदास अथावले सेड दैट पीपल विल गेट दैट 15 लाख ईच इन देयर बैंक अकाउंट्स बट स्लोली। And then he also went on to say that the RBI was not giving the money despite being told. Now, during the campaign in 2014, the Prime Minister had promised to bring black money back to the country and that each person would get 15 lakhs. 15 lakh rupees, the ekdam 15 lakh hona na, itna halo halo thil thil mein jata. Ye udhe paise sarkar kada na hi hai. Rizvi bankela paise magit lele itna de 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 na hi hai. से पहले कि 15 लाख रुपए आएंगे, ब्लैक मनी आएगा, बिल्कुल नहीं कहा था कि 15 लाख रुपए आएंगे, ये कभी नहीं कहा था। स्पीचेस ब्लैक मनी के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, यह बात कही गई थी। और ब्लैक कांकेर के भाइयों बहनों मुझे बताइए, ये हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए? अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। तो काम महत्वपूर्ण थे, मालिक हम बन गए, हम सेवक को भेजा, स्टेट में भेजा एमएलए को और सेंट्रल में भेजा एमएलए को, एमपी को, हम मालिक हो गए, तिजोरी हमारी है, अभी आप हमारे तिजोरी का सही प्लानिंग करिए बोल के हम सेवक बोल के भेजा। गलती क्या हो गया? मालिक ने सेवक को भेजा और मालिक सो गया। मालिक ने सेवक को भेजा लेकिन मालिक सो गया, और उसके बाद जब इन्होंने देखा अरे मालिक तो सो गया, फिर उसके तिजोरी की चोरी करना शुरू कर दिया। अंधभक्त ना बनो, देशभक्त बनो। जल्दी से FFAR इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।